मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम साहिल, आप देख रहे हैं बी विजिटर, खबरें जिसमें आपका फायदा। जी हाँ, खबरें जिसमें आपका फायदा। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। पहली खबर आ रही है राशन कार्ड होल्डर्स के लिए। करीबन देश में 20 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स को जो कि राशन दिया जा रहा है, जो कि दालें दी जा रही हैं, उसमें जो है तेजी की गई है। जिन लोगों को दालें मिल चुकी हैं और जिनको नहीं मिली है, उनके लिए जो है जल्द से जल्द जो है दालें प्रोवाइड की जा रही हैं। जी हाँ, ताकि प्रोटीन जो है अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सके। और इसके लिए ये बनाया गया है कि करीबन मई तक या मई के तीसरे महीने तक सबको, जी हाँ सबको जो है ये दालें दे दी जाएं, उनको जो है ये मुहैया कराई जाए, ताकि जो है वो अपना इसको यूज कर सके। तो इसमें अप्रैल, मई और जून, इन तीनों महीनों की जो है ये जो राशन जो बताया गया है ये देना है। तो इसलिए जो है मई के तीसरे महीने तक जो है ये आपको मुहैया करा दी जाएंगी। और इसके अंदर करीबन 17 राज्य हैं, जी हाँ करीबन 17 राज्य हैं जिसमें अभी जो है ये सप्लाई की जा रही है, और मई तक जो है इसको सप्लाई कर दिया जाएगा। जी हाँ, चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर जो आ रही है वो है LPG ग्राहकों के लिए। जी हाँ, जिन लोगों का आधार कार्ड लिंक नहीं है, जिनकी सब्सिडी नहीं आ रही है, वो अपना आधार कार्ड जो है लिंक करवा सकते हैं। जी हाँ, अपने अकाउंट में सब्सिडी ट्रांसफर करने के लिए कुछ आसान तरीके, बिल्कुल जो कि आसान है, आपको उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। दो तरह के तरीके में आपको, तीन तरह के हैं वैसे तो, लेकिन दो जो है आपको और इजी पड़ेंगे। जिसमें पहला जो है आपको एक नंबर पर कॉल करनी है, जिसका जो नंबर है 1-800-233-3555। इस नंबर पर कॉल करके आपको जानकारी देनी है, जो भी आपके सिलेंडर का कनेक्शन की इंफॉर्मेशन है वो देनी है। तो उससे जो है आपका जो सिलेंडर की जो सब्सिडी है वो लिंक करने का काम करेगी। सेकंड जो की चीज है वो है आपका जो एक SMS दिया गया है, आपको उस SMS नंबर पर जो है, नंबर जो है 52725 पर आपको एक SMS करना है। उस नंबर पर SMS करने के बाद भी आपकी सब्सिडी जो है एक खाते में आएगी, जिसमें आप वो लिंक करवाना चाहेंगे। जी हाँ, तीसरी चीज जो है एक वेबसाइट है, वेबसाइट पर आप जाकर भी जो है अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, जिसमें जो वेबसाइट आपको जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आप उस वेबसाइट पर जाकर भी जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है उसमें मिल जाएगी। तो ये जो तरीका है ये बहुत इजी है, आप इसको फॉलो करें और अपना जो है आधार कार्ड जो है जल्द से जल्द अपने बैंक अकाउंट से लिंक करें। और अगर और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वेबसाइट के थ्रू भी आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर जो आ रही है लॉकडाउन में जो है दिल्ली मेट्रो। जी हाँ, जैसे कि हमें सब, हमको पता है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा दिल्ली में, हम जानते हैं कि काफी यहाँ पर पब्लिक रहती है, अलग अलग राज्यों से जो है यहाँ पर लोग काम करने आते हैं, दिल्ली गुड़गांव। और तो इसके लिए जो है दिल्ली मेट्रो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो इसके लिए कुछ तैयारियां की गई हैं, जो कि जरूरी है और हम सबको वो जो है फॉलो करनी है, उसका हमें जो है पालन करना है। जिसमें जो सबसे पहला है, आपके पास फेस मास्क होना मैंडेटरी है, आपके पास फेस मास्क होना जरूरी है। दूसरी जो चीज है वो है आपको यहाँ थर्मिनल स्क्रीनिंग होगी, जिसके अंदर क्या है कि एक मशीन के थ्रू जो ये चेक किया जाएगा कि आपके अंदर कोई सिम्टम्स वगैरह किसी तरह के तो नहीं है। आप देख सकते हैं व्यू कि किस तरह की से जो है ये काम करेगी स्क्रीन पर। चलिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य है, हर एक इंसान के मोबाइल में ये डाउनलोड होनी चाहिए, ताकि हर तरह की जानकारी जो है सरकार तक पहुंच सके। जी हाँ, चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर जो है बहुत ही अच्छी है सभी व्यापारियों के लिए, यहाँ तक कि बड़े व्यापारियों से लेकर किराना स्टोर्स तक के लिए। जी हाँ, फ्लिपकार्ट अमेजोन की तरह अब ये भी ऑनलाइन डिलीवरी करेंगे। जी हाँ, इसमें क्या होगा कि जो लोग जिनके आसपास दुकानें हैं वो भी अब ऑनलाइन जो है आपका जो है सामान आपके घर तक पहुंचाएंगे। इस ई कॉमर्स जो मार्केट प्लेस के जरिए, जी हाँ ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के जरिए जो है हम किरियाना स्टोर्स, जो कि लोकल किरियाना स्टोर्स है, जी हाँ वहां से ग्राहकों तक जो है सामान जल्दी पहुंचेगा, और इसलिए इनको ऑनलाइन किया जाएगा। एक चीज मैं आपको और क्लियर बता दूं कि ये सब करने के का पर्पस हमारा यही है
कि आपको कहीं आना ना पड़े, कहीं जाना ना पड़े, और आपको जो है सारी चीजें जो है घर बैठे जो है आपकी लोकल स्टोर से, जी हाँ आपके लोकल स्टोर से आपके घर तक पहुंच जाएंगी। तो ये व्यापारियों के लिए, शॉपकीपर्स के लिए, किराना स्टोर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, सबके लिए एक अच्छा मौका है। जी हाँ, जल्द ही जो है इसे शुरू कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं अगली खबर क्या आ रही है। अगली खबर जो आ रही है वो है दसवीं पास। जी हाँ, जो दसवीं पास हमारे स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि उन्हें जो है नौकरी के लिए जो है एक अच्छी जो यूपी सरकार, जी हाँ यूपी पोस्टल सर्कल GDS रिक्रूटमेंट 2020 की जो वैकेंसीज निकली हैं उसकी जो तारीख है उसको बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, 7 मई तक वो तारीख कर दी गई है। जी हाँ, 7 मई तक जो है आवेदन जारी रहेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको और बता दूं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह की जो वैकेंसीज हैं उनमें कैटेगरी की तरह कैटेगरीज में कितनी कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं, और साथ ही साथ की सैलरी है। जी हाँ, देख सकते हैं BPM, जी हाँ BPM के लिए 12,000, ABPM के लिए जो है 10,000 के आसपास सैलरी है। आप स्क्रीन पर फुल डिटेल्स जो है इसकी देख सकते हैं, जो कि आपके लिए फायदेमंद होगी। तो चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है ई ग्राम स्वराज और स्वामित्व योजना। ये क्या है? पीएम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये योजना लागू की है, इसके अंदर क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसके तहत कोई भी गांव में क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हुआ है, कौन सी योजना लागू हो चुकी है, कौन सी योजना लागू नहीं हुई है, किस पर कितना खर्च हुआ है, कौन सी योजना कब लागू होनी है, इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है, मतलब कि ये समझिए कि आपको आपके गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सरकार की तरफ से, उसकी पूरी डिटेल्स आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू मिलेगी। चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है दिल्ली एयरपोर्ट से। दिल्ली सरकार ने एयरपोर्ट पर जो है काफी अच्छे इंतजाम किए हैं। जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा आपको जो है आने जाने में वहां से कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए सरकार ने जो है काफी अच्छे इंतजाम किए, जिसमें करीबन 500 लोगों की टीम जो है वहां पर होगी, जो कि सैनिटाइज करेगी, हर घंटे में जो है साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, और साथ ही साथ 6,08,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस कैंपस को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा, हर चीज का पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि किसी भी तरह का कोई भी जो है नुकसान ना हो। पर अगली खबर आ रही है रेलवे से। रेलवे 1500 PPE किट्स जो है पर डे बना रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह की जो चीजें हैं PPE किट के अंदर इंक्लूड होती हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो इसलिए ही बनाई जा रही है ताकि जल्द से जल्द जो है जहां पर इनकी जो रिक्वायरमेंट है, जहां पर इनकी जरूरत है, जल्दी से जल्दी जो है इसे मुहैया कराया जा सके। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।